नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ उन स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनमें कल के सेशन में एक्शन होने वाला है। डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, इन सारी चीजों के आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कल से लेकर फ्राइडे तक जो भी स्टॉक एक्शन में रहेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप सभी के साथ कल के सेशन में जो कॉर्पोरेट एक्शन होगा उसके बारे में बात करूंगा, और इसकी इलिजिबिलिटी के लिए आप मतलब इसमें आप इलिजिबल हो ही नहीं सकते क्योंकि इसकी इलिजिबिलिटी के लिए आपको फ्राइडे को स्टॉक को खरीदना था। बाकी ट्यूजडे से जो कॉर्पोरेट एक्शन है उसमें इलिजिबल होने के लिए अगर आप कल पोजिशन बनाते हो तो आप इलिजिबल हो जाओगे। लेकिन एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कभी भी किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन के लिए शॉर्ट टर्म में मत खरीदारी करो, चाहे वो बोनस हो, स्टॉक स्प्लिट हो, डिविडेंड हो। ये पैसा बना के देंगे ही नहीं आपको, शॉर्ट टर्म में कभी नहीं देंगे आपको, लॉन्ग टर्म के लिए सारी चीजें होती हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले 21 अगस्त यानी कि कल के सेशन में सबसे बड़ा तो रिलायंस का नाम आने वाला है। पहले रिलायंस के शेयर कल एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करेगा ₹9 प्रति शेयर, प्लस जियो का शेयर भी आपके लिए लिस्ट होगा। इसकी डिटेल वीडियो अगली वीडियो बनाऊंगा। आगे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ₹1.5 का डिविडेंड है, चंबल फर्टिलाइजर ₹3 का है, आईटीडीसी सेमेंटेशन ₹0.75 का है, जक्सन फल फार्मा ₹5 का है, वास्कॉन इंजीनियरिंग्स लिमिटेड ₹25 का है, लिंक लिमिटेड ₹5 का डिविडेंड है, केपी एनर्जी लिमिटेड ₹25 का है, स्टोवेक इंडस्ट्रीज ₹157 का डिविडेंड है। स्टॉक का भाव कितने का है? बड़ा डिविडेंड है भाई, ₹2636 का है और उसके सामने ₹157 का डिविडेंड, ऑलमोस्ट 5% से ज्यादा का डिविडेंड हो गया, तो शानदार डिविडेंड दिख रहा है। A1 एसेट लिमिटेड ₹1.5 का डिविडेंड है, कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड ₹25 का है, यूनी एबेक्स अलॉय प्रोडक्ट्स ₹20 का है, कॉम्पेटेंट ऑटोमोबाइल्स कंपनी का ₹1 है, तंबोली कैपिटल का ₹1 है, ट्रांसपैक इंडस्ट्री का ₹27.50 का है। अब देखिए ये जो स्टॉक है स्टोवेक इंडस्ट्रीज है, ₹157 का डिविडेंड है कल के सेशन में। जिसने फ्राइडे को डिविडेंड के लिए लिया होगा ना, कल ये ₹157-160 आपको नीचे दिखेगा तो उसको क्या फायदा हुआ? पोर्टफोलियो में उतना लॉस हो गया, डिविडेंड उतना मिल जाएगा, डिविडेंड में 10% का TDS भी कटेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ शॉर्ट टर्म में किसी कॉर्पोरेट एक्शन के लिए खरीदारी नहीं करनी है। अब ट्यूसडे को जो स्टॉक डिविडेंड देंगे या स्टॉक स्प्लिट होंगे, 22 अगस्त को NHPC ₹45, सन टीवी ₹6.25, ICICI सिक्योरिटीज ₹9.25, नेटको फार्मा ₹7, कर्नाटका बैंक ₹5, KPI ग्रीन एनर्जी ₹25, ड्रीम फॉक्स सर्विसेज ₹50, सुब्रॉस लिमिटेड ₹1, पनामा पेट्रोकेम ₹5, अनजैन इंडिया एनर्जी यील्ड प्लस ट्रस्ट ₹2.45, मॉर्गेनाइट क्रूसिबिल इंडिया लिमिटेड ₹11, कैमफेम एल्कलीज लिमिटेड ₹1.25, वीर ग्लोबल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बोनस होगा 1:1 के रेशो में, यानी कि एक के दो शेयर हो जाएंगे बट स्टॉक का प्राइस आधा हो जाएगा। टाइके इंडस्ट्रीज ₹2 का डिविडेंड है, मानाक्षिया एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ₹0.05 का डिविडेंड है, मानाक्षिया कोटेड मेटल्स का ₹0.03 का डिविडेंड है, वसुंधरा रसायन लिमिटेड का ₹2 का है। 23 अगस्त की बात की जाए तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल ₹50, मन्नापुरम फाइनेंस ₹80, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट ₹1.60, डायनाकॉन सिस्टम ₹50, इंटरनेशनल कंबशन ₹3 का है, HB पोर्टफोलियो ₹1, फोकस बिजनेस सॉल्यूशन बोनस देगा 4:5 का, यानी कि 5 शेयर्स के बदले 4 शेयर एज अ बोनस मिलेंगे। कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगा इसमें। सिंपल भाषा में बोलूं तो मान के चलो 10 शेयर है तो आपको 8 शेयर और मिल जाएंगे, ठीक है जी, 5 के सामने 4 मिल रहे हैं। अब आपके पास 6 शेयर है तो क्या होगा, 5 के बदले 4 मिल जाएंगे और 1 शेयर का पैसा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। परमानेंट मैग्नेट्स का ₹1.5 का डिविडेंड है। अब आते हैं 24 अगस्त को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ₹15 का डिविडेंड है, HEG लिमिटेड ₹42.50 का डिविडेंड है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ₹1.05 का डिविडेंड है, AGI ग्रीन पैक ₹5 का है, मयूर यूनिकेटर्स ₹2 का है, मोंटी कार्लो ₹20 का है, साटिया इंडस्ट्रीज ₹1 का है, एंड्रयू यूल कंपनी का ₹0.01 का है, अपसर्ज इन्वेस्टमेंट ₹50 है। 25 अगस्त की बात की जाए तो ABB इंडिया ₹5.50, ऑयल इंडिया ₹5.50, CDSL ₹16, NCC ₹2.20, KRBL ₹1, CE इन्फो सिस्टम ₹3 का, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ₹1, दीपक फर्टिलाइजर ₹10, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड ₹70, सूर्य रोशनी ₹4, न्यूजेन केमिकल ₹3, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ₹25 प्रति शेयर है, VST ट्रिलर ट्रैक्टर्स का ₹25 का है, सीमैक का ₹1 है, GIC हाउसिंग फाइनेंस ₹4.50, सेल्जार
इलेक्ट्रॉनिक्स 2 रुपए 20 पैसे, सुयोग टेलीमेटिक्स 50 पैसे, निको पक्स 50 पैसे, मुंजाल ऑटो 2 रुपए, एनडीएल वेंचर्स 2 रुपए, यूनाइटेड ड्रिलिंग 1 रुपए 20 पैसे, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स 3 रुपए का डिविडेंट है, एंड सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज 30 पैसे, गुजरात होटल्स 2 रुपए, इको प्लास्ट 1.5 रुपए, इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस लिमिटेड 3.5 रुपए, एंड लास्ट श्री दिनेश मिल्स लिमिटेड 10 रुपए का डिविडेंड ट्रेड करते हुआ दिखेगा आपको यहाँ पे। रिजल्ट्स की बात की जाए तो कोई नाम है नहीं, बट एक नाम जरूर बताना चाहूंगा, 23 अगस्त को नंबर आएंगे पीएनजी हेल्थ लिमिटेड के, तो ये आपके लिए रडार पे रहना चाहिए। बाकी तो सब छोटे मोटे हैं, वो 2-3-4 टोटल नंबर है पूरे हफ्ते में। 23 तारीख को एक बड़ा नाम है पीएनजी का। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्ड वीडियो सारे के सारे कॉर्पोरेट एक्शन वाले स्टॉक्स पे। होप आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी, वैसे तो नॉर्मल सी जानकारी थी, बट ठीक है, लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस वीडियो को बना। संडे के सेशन में हम पूरे वीक का आपको अपडेट देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।